आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। अतिवृष्टि से कपास की फसल हुई खराब, आज तक नहीं हुआ सर्वे। पाटीनगर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम मोसादा में अतिवृष्टि से कपास ज्वार की फसल खराब हो गई है, जिसका सर्वे आज तक नहीं हुआ। ग्राम मोसादा के किसान मांगीलाल पिता श्रवण ने बताया कि मेरी रोड के समीप लगभग 1 एकड़ जमीन है, जिसमें 1.5 किलो कपास हर वर्ष लगाते। इस वर्ष भी 1.5 किलो कपास लगाया हूँ, लेकिन तेज व लगातार अति बारिश होने के कारण मेरी कपास की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। 1 महीने से खेत में पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कपास के पौधे वृद्धि नहीं करें और वह धीरे धीरे मरने लगे हैं। हर वर्ष में इसी 1 एकड़ जमीन में 1.5 किलो कपास लगाता हूँ, जिसमें लगभग 20 क्विंटल कपास निकलता है, जिसकी कीमत 1 लाख के लगभग होती है। उसी जमीन में अभी कपास की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। मांगीलाल ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण मेरी फसल में नुकसान हुआ है। किसान ने बताया कि इस वर्ष मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ है। कृषक का कहना है कि मैं कपास की फसल के लिए कर्जा ला कर बीज खाद की व्यवस्था की थी, लेकिन आज मुझे इसी नुकसान के कारण कर्जा चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और किसान ने यह भी कहा कि मेरे खेत का मुआयना करने आज तक कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं आया, जबकि तेज बारिश से हुई फसल नष्ट का सर्वे होना था और पात्रता अनुसार उन्हें फसल बीमा की सहायता राशि भी दे थी, लेकिन आज तक विभाग के पटवारी सर्वे के लिए नहीं आए। वही सरकार सभी किसानों को जिनकी फसल अतिवृष्टि से खराब हुई है उन्हें फसल बीमा की सहायता राशि देने की बात कह रही है, लेकिन उस आगे किसान के खेत में सर्वे तक भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर रोसा में ही सुरसिंह सोलंकी के खेत में अतिवृष्टि से बारिश का पानी कपास की फसल में कई दिनों से रुका हुआ है, जिससे कपास के पौधे की वृद्धि नहीं हुई और वह खराब होने लगा है। इसका भी सर्वे होना चाहिए। ग्रामीण रमेश भारला दूना बाईबूर सिंह पूर्व जनपद अध्यक्ष वर्मा सोलंकी ने बताया कि 52 गज्जा से बोकराटा रोड के निर्माण कार्य के समय इन रोड एजेंसी के ठेकेदार ने खेत के पास बनी पुलिया में 2 ही निकासी के पाइप रखे, जिससे पानी निकासी नहीं हो रहा है। नाले का पानी आसपास के कई छोटे छोटे नाले से मिलकर तेज बहाव में आता है। पुलिया में 2 ही पाइप होने से पानी निकासी न होकर आसपास के खेतों में जाने लगता है और वह पानी कई दिनों तक खेतों में रुकता है, जिससे भी फसल का नुकसान होता। पानी रुकने के कारण खेत फसल खराब होने लगती है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से खेतों में पानी जा रहा है और फसल को खराब कर रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि किसानों की जहां फसल खराब हुई है उसका सर्वे हो। वहीं दूसरी ओर पुलिया निर्माण एजेंसी पुलिया में से निकासी पानी के लिए कोई उपाय निकाले और क्षतिग्रस्त कराए। इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने की शासन से मांग की। पाने के लिए आरपीटीवी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए।